नमस्ते जी, नीलम्स फूड फिलाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल के लड्डू। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए चावल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये हमने लिया है चावल का आटा, ये देसी घी, ये पिसी हुई चीनी, 10-15 काजू, 10-15 बादाम, ये पिस्ता और ये नारियल का बुरादा या पिसा हुआ नारियल भी बोल सकते हैं। ये लिए हमने सफ़ेद वाली तिल। तो अभी गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख दी है। इसमें डालते हैं 1 चम्मच देसी घी। लड्डू तो देसी घी में ही बनते हैं, तभी अच्छे लगते हैं। अभी डालते हैं इसमें काजू। इन्हें हल्का सा हम घी में फ्राई कर लेंगे। अभी इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। अभी डाल देंगे इसमें बादाम और इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस ये फ्राई हो चुके हैं, अभी निकाल लेते हैं इनको। इस तरह से काजू और बादाम को हमने फ्राई करके निकाल लिया। अब इसी घी में डाल देते हैं हम चावल के आटे को। इसे अच्छे से हमें लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेना है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इसे आराम आराम से भूनते चले जाएंगे जब तक इसका कलर हल्का से चेंज ना हो जाए। अभी इसका कलर चेंज होने लगा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भुन चुका है। अभी इसमें से भुनने की अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। बस इतना ही हमें इसे भूनना है। अब इसको हटा देते हैं। अभी गैस पर रख देंगे हम एक पैन और इसमें हमें तिली को भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तिली को भी हमने हल्का सा भून लिया है। इसे डाल देते हैं हम चावल के आटे में ही। अभी डालते हैं हम इसमें पिसी हुई चीनी। अब इन काजू बादामों को हम ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। इस तरह से मैंने इन्हें थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है। इसे भी डाल देंगे। अभी डाल देंगे इसमें पिस्ता, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नारियल का बुरादा। सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे इसमें हम घी। घी को हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। पहले हम इसमें आधा घी डालते हैं, फिर अगर ज़रूरत लगी तो और थोड़ा सा डाल लेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर, लगभग आधा छोटी चम्मच के करीब। अभी डालेंगे हम 1 बड़ी चम्मच के करीब दूध की मलाई। इसे भी मिक्स कर लेंगे। बस अभी हम इस तरह से इतना सा मिश्रण हाथ में लेके इसके गोल गोल लड्डू बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आप मीडियम साइज का गोल गोल लड्डू बना लें। आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे बड़े कैसे भी लड्डू बना सकते हैं। मैंने इस तरह से मीडियम साइज के लड्डू बनाए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चावल के आटे के लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप इन्हें किसी भी कंटेनर में भरकर रख दीजिए। इन्हें आप 10 से 15 दिनों तक आराम से खा सकते हैं। ये खराब भी नहीं होते। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।